24 अप्रैल 2024 को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में यूपीएससी क्रैक करने वाली 2016 बैच की होनहार छात्रा रश्मि पैकरा हेतु भव्य स्वागत समारोह का आयोजन प्रिंसिपल श्रीमती जॉली टॉमी के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। रश्मि पैकरा ने यूपीएससी में 881वां रैंक लाकर जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम भारतवर्ष में रोशन किया है। उन्होंने विगत वर्ष 2023 में सीजीपीएससी पास किया है और सम्मानित पद पर वो कार्यरत हैं। विद्यालय पहुंचते ही विद्यालय बैंड के द्वारा पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। रश्मि पैकरा प्रेरणा स्रोत बनकर आई, पूरा विद्यालय परिवार उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अभी आप वहाँ थे, आज आपके सम्मान में हम सब, आपने जो सूरजपुर को सम्मानित किया है ना, बहुत उम्मीद परिवार की दिन है। हमारे विद्यार्थियों से हम यही उम्मीद। चलो बेटा, पीएमसी जवाहरनाथ विद्यालय सूरजपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है मैम। साक्षात मानो लक्ष्मी आ गई है। सूरज, चांद, सितारे, ये तो आसमान की बातें हैं। धरती को आलोकित करने स्वयं लक्ष्मी आ गई है, स्वयं रश्मि आ गई है। धरती को आलोकित करने स्वयं रश्मि आ गई है। तो रश्मि का मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। उनके बारे में हम लोग सब
चौथे प्रयास में जो मंजिल मिली मुझे यूपीएससी 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 81 रैंक आया मेरा, तो जो सफर था आप सभी बहुत उत्सुक होंगे सुनने के लिए। मैं शुरुआत करूंगी जो 881 की कहानी है वो यहीं से शुरुआत होती है। क्लास 8, 7, 6 ये जो समय होता है हमारा, इस समय हम अपने सपनों को नर्चर करते हैं। देखते हैं हॉस्टल में आप लोग जब कोई भी इंस्पेक्शन के लिए स्पेशली उस समय रहता ही है, एक नेम प्लेट लगाते होंगे आप लोग नाम के साथ, क्लास, फिर नीचे थॉट और आपके जो ड्रीम्स हैं आप गोल करके लिखते हैं। तो हर कोई उसमें, या सिंगर लिखते हैं, आईएएस लिखते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर एक्सेट्रा। मैंने आईएएस लिखा हुआ था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है। और हमारे क्लास में ऐसे कई लोग थे जो बनना चाहते थे, कोई भी कंपटीशन वगैरह होता था, कुछ होता था। मैं क्लास में टॉपर तो नहीं थी लेकिन जो है अबव एवरेज स्टूडेंट थी, तो पढ़ाई में ठीक ठाक थी, टीचर्स की नज़रों में बनी होती थी। और उस समय टीचर्स कहा करते थे कि मैं एक भावी आईएएस ऑफिसर हूँ, बड़ा अच्छा लगता था। राजेश सर थे हमारे एसएससी के टीचर, हमें सोशल साइंस काफ़ी अच्छे से मज़े से पढ़ाते थे, सारे एक्टिविटीज़ कराते थे, हम एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते थे। रश्मि पैकरा विद्यालय परिसर में आने के पश्चात बहुत ही हर्षित और गौरवान्वित हुई। उन्होंने अपने अध्ययन काल के दौरान गुजारे हुए स्वर्णिम पल और विशेष प्रसंगों को विद्यार्थियों के बीच शेयर किया। उन्होंने अपने समय के शिक्षकों में से श्री डी आर कंवर पीजीटी केमिस्ट्री और श्री क्रिस्टोफर कुजूर पीजीटी इंग्लिश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रश्मि पैकरा ने यहाँ किसी प्रकार की कमी और तन्हाई महसूस नहीं की, क्योंकि जैसे ही विद्यालय परिसर में उन्होंने प्रवेश किया, प्रिंसिपल श्रीमती जॉली टॉमी मैडम ने उन्हें खुशी के साथ अपने गले से लगा लिया। प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि रश्मि पैकरा एक ऐसा चर्चित कामयाब चेहरा बन गया है जो न सिर्फ विद्यार्थियों को बल्कि हम सबको भी हौसले के पंख दिए हैं। खुशी और कामयाबी के इस सफर में रश्मि पैकरा की आदरणीय माता श्री एवं पिता श्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार ने उनके माता पिता का भव्य अभिनंदन किया। कुजूर सर ने शाल देकर, कमर सर ने श्रीफल देकर, सिद्दीकी सर ने छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी मैना से एवं प्रिंसिपल मैडम ने गुलदस्ते और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रश्मि पैकरा का भव्य अभिनंदन किया। हिंदी शिक्षक चितरंजन चौहान ने रश्मि पैकरा के स्वागत में कहा कि आज परिसर की बहार में मदहोशी छा गई है, नवयुग की नई भारती साक्षात मानो लक्ष्मी आ गई है, सूरज चांद सितारे ये तो आसमानी बातें हैं, धरती को आलोकित करने स्वयं रश्मि आ गई है। माउंट एवरेस्ट में जो चढ़ता है वो झेलता है कई खतरा, सुविधा भोगी आलसियों के पास होता है सिर्फ बहाना व नखरा, इतिहास बना सकते हो, यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बनना पड़ता है संघर्षशील रश्मि पैकरा। क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की सहायक आयुक्त एसी परम सम्माननीय गीतिका शर्मा मैडम ने एवं डीसी परम सम्माननीय मृदुला त्रिपाठी मैडम ने
रश्मि पैकरा को विशेष रूप से शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान किया। रश्मि पैकरा को बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं।